So today we are going to do back exercise of chapter 5, my fan. So let's start. So first we have to read question. Fill in the blanks using the words given below. It means ki jo bhi hame blanks de rakhe hain wo hame given words ke through use fill karna hai. Okay? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हम इस लाइन को रीड करेंगे आई लीव विद माई डैश तो हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से वर्ड गिवन है आई लीव विद माई पेरेंट्स स्मॉल स्मॉल शेयर फैमिली सो हम किसके साथ रहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो हम क्या करेंगे फैमिली से पहले कट कर देंगे देन यहाँ पे लिख देंगे हम इसे इसलिए कट करेंगे ताकि दोबारा रिपीट ना हो फिर हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे पीपल इन अ फैमिली डैश द हाउस वर्क पीपल इन अ फैमिली पेरेंट्स नो स्मॉल नो शेयर यस तो पीपल इन अ फैमिली शेयर द हाउस वर्क इसी तरीके से आपको और भी प्लान्स गिवन होंगे और वो भी आपको फिल करने जब हमने यहाँ पे शेयर लिखा तो हम इसे भी यहाँ से कट कर देते ठीक है सो अब हम इसी का बी पार्ट कर देंगे टिक राइट इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड क्रॉस इफ इट इज रॉन्ग यानी जो सेंटेंस हमें गिवन है अगर वो राइट है तो हमें उन्हें टिक करना है राइट वाला और अगर वो सेंटेंस हमारा रॉन्ग है तो हमें उसे क्रॉस करना है तो सबसे पहले हम सेंटेंस को रीड करेंगे We should not respect our elders. ये क्या line हमें क्या कह रहे हैं कि जो हमारे elders हैं हमें उनके respect नहीं करनी चाहिए तो क्या ये sentence correct है या wrong है तो ये sentence wrong है क्योंकि हमें हमारे elders की respect करनी चाहिए फिर second है mothers usually cook food for the family. यानी जो हमारी family में जो हमारी mothers होती हैं वो हमारे खाना बनाती है तो सेंटेंस करेक्ट है या रॉन्ग है तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे टिक करेंगे इसी तरीके से हम थर्ड लाइन रीड करेंगे द फादर ऑफ योर फादर इज कॉल्ड ग्रैंडफादर यानी आपके पापा के पापा आपके ग्रैंडफादर होते हैं तो यस ये वाली सेंटेंस जो है स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है तो हम यहाँ पे टिक करेंगे इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंस गिवन होंगे उसको आपको केयरफुली रीड करना है देन उसे राइट एंड रॉन्ग टिक करना थैंक यू